एक मामूली सी बस होस्टेस के प्यार में पागल हुआ फिर रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। अब मुझे समझ आया कि वो हर दूसरे दिन बस का ट्रैवल क्यों करता फिर रहा था। ओह माय गॉड, मुझे तो ये सोचते हुए भी घिन आ रही है। सुल्तान जैसा लड़का और वो चंद हजार रुपए कमाने वाली लड़की। आई मीन, अगर अफेयर चलाना ही था तो किसी स्टेटस की लड़की से चलाता, मेरे बराबर की तो होती। मेरा तो दिमाग फट रहा है ये सोच सोच के कि पूरी दुनिया में उसे वो 2% की बस होस्टेस ही मिली थी चक्कर चलाने के लिए। बीजान को बताया तुमने? नहीं, फिलहाल तो नहीं। अभी तो मैंने उसकी एक्टिविटीज पे नजर रखी, कुछ इन्वेस्टिगेटर्स भी लगाए हैं उसके पीछे। सारे सबूतों के साथ जलील करूंगी उसे बीजान और डैड के सामने। समझ क्या रखा है उसने मुझे? उन 2% की लड़कियों को मुझ पे फौकियत देगा और मैं यहाँ चुपचाप तमाशा देखती रहूंगी। हाँ, हौसले से काम लो बेटा और गुस्से को काबू में रखो, और ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना बेटा कि मामला सुलझने के बजाय उलझ जाए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मॉम, इस वक्त मेरा दिमाग खराब हो रहा है, आपको पता है मैं 20 सेंसेस में नहीं हूँ। दिल चाह रहा है कि अभी बंदूक लेके उस लड़की को जान से मार दूं। सुल्तान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। हेलो दरमीन, नाज़रीन इस वक्त हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम पाक बस ट्रेवल पर और यहां पर एक न्यूज़ मिली है कि लड़की पर तेजाब फेंका गया है। यह है ब्रेकिंग न्यूज़, लड़की पर तेजाब फेंका गया है। सबसे पहले आप ये न्यूज़ हमारे चैनल पर देख रहे हैं। बस होस्टेस थी, मासूम थी, ये खातून थी, इन पर ये तेजाब फेंका गया और ये वाकयात पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, ये सब हम मालूम करेंगे। तो बढ़ते हैं हम जरा लोगों की जाने और अरे अरे सुल्तान साहब हैं, आने दो उन्हें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप यहाँ कैसे? तो यहाँ से गुजर रहा था मैं, रश देकर रुक गया हूँ। क्या हुआ यहाँ? सर एक ऐसे अटैक की वारदात है, लड़की ने शादी से इनकार कर दिया था तो उसका तेजाब फेंक कर कत्ल कर दिया गया है। खैर तमाम शवाहदात मिल गए, मुजरिम जल्दी सलाखों के पीछे होगा। लड़की का नाम क्या था और कहाँ की रहने वाली थी? सर ये जंग से ताल्लुक है इसका, परियाल अहमद नाम है लड़की का। अब बेफिक्र हैं सर, हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। सर मेरा सलाम दीजिएगा दुरानी साहब को। हाँ वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन बस स्टैंड का ये वो पिछला हिस्सा है जहां फरियाल नामी बस होस्टेस पर तेजाब फेंका गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कातिल मोटरसाइकिल पर सवार था और मौका मिलते ही फरियाल पर तेजाब फेंक कर जाए वकुआ से फरार। कुछ पता चला? मैडम ये वो लड़की नहीं है जिसका मर्डर हुआ है। साहब भी बड़ी परेशानी में दफ्तर से निकले, मेरे ख्याल में बस स्टेशन ही गए। मैं तुम्हें लाखों रुपए इस चीज के दे रही हूँ कि तुम तुक्के लगा के मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दो। इतनी देर से कह रही हो कि सुल्तान के पीछे कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेटर लगाओ, मुझे उसकी एक एक पल की पक्की पक्की रिपोर्ट चाहिए। अब तुम एक काम करो कि सुल्तान और नगीन की इकट्ठे वीडियो और पिक्चर प्रूफ बनवाओ। ठीक है मैडम, मैं कोशिश करता हूँ।
नगीन फयाज, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इस बार तो तुम बच निकले, लेकिन अब मेरे हाथों से तुम बच नहीं पाओगे। सुल्तान के साथ दोस्ती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मैं तुम्हें और सुल्तान को इस शहर में इतना जलील और बदनाम कर दूंगी कि सारी जिंदगी लोगों से मुंह छुपाते फिरोगे। सुल्तान अगर मेरा ना हो सका तो उसे मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी।